तो ये देखिए एक जोड़ी ये है, ये देखिए पास से कितने सुंदर है ये, साड़ी पे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये सूट पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर फिर से एक बार मैं किचन में आ गई हूँ और बनाने जा रही हूँ मैं मक्का पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ मैं। बच्चे ने भी कर रहे कुछ खाने का मन कर रहा है दोपहर में, तो मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न बनाती हूँ, 5 मिनट में बन जाएंगे। इसमें मैंने घी, काली मिर्च और नमक डाल दिया है, बस देखिए कितनी फटाफट बन गई। मैं इस तरह से ले आती हूँ, ऐसे पैकेट मिलते हैं तो ले आती हूँ मक्का के और बस हाल बन जाते हैं। अभी दिखाते हैं फिर हो रहे हैं, 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे। मैंने इसके ऊपर जाली रख दी है ताकि ना बाहर ना निकले आप लोगों को दिखाने के लिए। बस बीच बीच में इसको थोड़ा सा ना हिलाना पड़ता है, जैसे कि नीचे जो मक्का फूल गई है वो ऊपर आ जाए और जो दाना है वो नीचे आ जाए और अच्छी तरह हो जाए। कितने सारे पॉपकॉर्न बन गए, चलिए तो फिर खाते हैं। और यहाँ पर ये गया था गैस भरवाने के लिए, हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, 2 दिन से रखी हुई थी। हमारे गांव में ना गैस का ये जो गाड़ी है ना आ जाती है, यहीं पे आप अपना सिलेंडर भरवा लीजिए और यहीं पैसे से ये सुविधा बहुत अच्छी है कि होम डिलीवरी सी है, मतलब यहाँ पे स्टॉप बना लेते हैं और यहीं पे सब लोग आ जाते हैं और सिलेंडर वगैरह ले लेते हैं। तो ये इसको मैंने भेजा था। अकेले ले आएगा कि मैं हेल्प करूं? टूट गई। यहाँ पे खा लो ये पॉपकॉर्न, धूप में तो ये खाने का टाइगर वाली हो रही है। और यहाँ पे मैं ना जा रही हूँ कुछ लकड़ी वगैरह देखने। लगता है बहुत अंदर चली गई बॉल, क्रिकेट खेल रहा था, बॉल चली गई अंदर। किसमें? राइट साइड में चली गई। हाँ, इसमें तो सांप हो सकता है, ये बड़ा ही हॉरर सा प्लेस है। आज तो वास्तव में जंगल ही आ गए, ऐसा लग रहा है जंगल में ही है क्या है। सीटी में जाने से क्या निकल आएगा? हाँ, सीटी में सांप आता है। मिली सांप ना आ जाएगा? डरा के भैया मिल गई फाइनली मिल गई। अब चलो भाई आग फाग जलाने का इंतजाम करो, सर्दी तो बहुत लग रही है। ये मैंने लकड़ी निकाल दी है 2-4, उनको ले चलो ऊपर। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मिल गई, नीचे तो काफ़ी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। मैंने भी आज ना खाना पीना जल्दी बना लिया है क्योंकि ना फिर आराम से बैठेंगे, सब लोग बैठ जाते हैं और मैं लगी रहती हूँ फिर किचन में। ठंड में भी मेरा भी काम करने का मन नहीं करता, सब लोग जाइए उठ के बातें बातें करते और मेरा ये खाना पीना बनता रहता है। तो मैंने आज ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5:30 हो गए में, और मैंने सब्जी वब्जी बना के रख दी है और बस रोटी रोटी डालने को रह जाएगी, सुखना डाल। आज मुझे एक और काम करना है, अच्छा काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, थोड़ी सी और बच जाएगी, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं यहाँ आ गई थी इनको सेट करने के लिए, क्योंकि ना ये काफ़ी दिनों से इधर से पड़े थे और मुझे ये एक डिब्बा मिल गया था, ये वाला,
मैंने कहा इसमें लगा देती हूँ, इसमें ना कप आए थे तो सेट हो जाएगा कप में सही से। मार्केट से भी आते हैं इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, पर पैसे की बचत करें तो इस तरह के डिब्बे भी बहुत अच्छे रहते हैं। देखो ये बजट में है इसलिए, क्योंकि ना वैसे आप मार्केट से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें ऐसे बने रहते हैं, आपके इयर रिंग्स वगैरह जो कंगन वगैरह इन सबको रख सकते हैं आप, तो वो काफ़ी महंगी भी पड़ते हैं। लेकिन ये जो है ना आपके घर में उपस्थित रहता है, ज़्यादातर लोग कप वगैरह तो खरीद के लाते हैं, उसमें ये देखिए कप का कप आते हैं इसमें, तो वही है उसका मैं दोबारा से यूज़ कर लिया है मैंने, तो अपना आराम से इसमें रख जाते हैं और सेफ भी रहते हैं। जैसे कि ये तो ये देखिए एक जोड़ी ये है, ये देखिए पास से कितने सुंदर है ये, साड़ी पे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये सूट पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह के इयर रिंग्स हैं और भी ये इस तरह से इसमें खाने बने हुए हैं ना, तो आप उनमें सेट कर सकते हैं आराम से। और मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि कितने हैं मेरे पास। और ये देखिए एक ये भी है, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं पास से, काफ़ी प्यारे लगते हैं, ये फैशन में भी बहुत है। और ये इस तरह के मेरी बेटी को भी बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो मैं लाती रहती हूँ उसके लिए भी, और मैं भी डाल लेती हूँ, मैं भी पहन ही लेती हूँ। ये देखिए है ना सुंदर है ना, काफ़ी सुंदर लगते हैं मेरे को। और एक ये भी है, इससे उल्टा हो रहा है सीधा, ये देखिए काफ़ी सुंदर लगते हैं ये जीन्स वगैरह। एक ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, मैंने उस दिन डाले भी थे, आप लोगों ने देखा होगा मैंने उस दिन डाले थे ये। ये तो साड़ी वगैरह के संग सबके संग बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटी छोटी सी झुमकियाँ। अच्छा झुमकियाँ तो एवरग्रीन होती हैं, हमेशा ही ट्रेंड में रहती हैं, बस थोड़ा सा लुक वाइज चेंज हो जाए, लेकिन झुमकियों का फैशन कभी भी आउट नहीं होता है, हमेशा ही रहता है। कि इस तरह के भी हैं, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक करेगी। और ये तो खैर हैवी हैं थोड़े, लहंगे वगैरह साड़ी ज़्यादा हैवी पहनो शादी वगैरह में उसके हिसाब से सही है। ये छोटी छोटी झुमकियाँ हैं, झुमकियों का तो मुझे भी बहुत शौक है, कितनी प्यारी लगती है ये। ये देखिए कितनी प्यारी है, दिख रही होंगी, बहुत सुंदर लगती हैं ये। और एक और झुमकियाँ हैं, इसका दूसरा पेयर नहीं दिखाई दे रहा, सब उस दिन ना गड़बड़ हो गया था, सारा निकल गया था, तो मैंने फिर इसमें रखने की सोची, इससे क्या आसानी से मिल भी जाएगा। एक दो और भी मैंने इस तरह से कर रखे हैं, मैं वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को। एक ये भी है, और ये तो छोटे छोटे से हैं, ये इनको डालती है, छोटे छोटे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये एक ही बॉक्स में आ गए, अब जब भी ज़रूरत है तो उसको निकाल लीजिए। इसी तरह से इसमें ये कंगन वगैरह भी आप डाल सकते हैं, अगर साइज़ के हों तो। देखिए ये आराम से इसमें ऐसे लंबाई में आ सकते हैं ये भी, और जब ज़रूरत हो आसानी से आप निकाल लीजिए, और ख़राब भी नहीं होती चीज़, और ढूंढना भी नहीं पड़ता, मिल भी जाते हैं ये हैं। इन सब को आप आराम से इसमें रख सकते हैं, ये हाथों में पहनने के ब्रेसलेट वगैरह हैं, ये सब भी एक ही जगह आ जाएंगे और मिल भी जाएंगे। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर इनको इधर उधर डाल दो ना तो फिर ये मिलती नहीं आसानी से, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, कान के हुए चूड़ी वगैरह ये सब फिर इधर उधर गुम हो जाती है। इसमें क्या है सेफली रखे रहते हैं, जब भी ज़रूरत है आप अपना उठाइए और निकालिए, और कुछ खर्चा भी नहीं है, अपने बजट में भी है। अक्सर कप वगैरह के संग तो ऐसे आती हैं तो उसमें आप रख ही सकते हैं। ये देखिए गले के भी जो सेट वगैरह होते हैं वो इसमें ना 6 खाने हैं ना, तो 6 में से आप हर किसी में कुछ ना कुछ अलग अलग रख सकते हैं। एक में कंगन वगैरह रख दीजिए, एक में गले वगैरह के कान के, ये सब इस तरह से करके सेट हो जाते हैं, और फिर जगह भी कम लेते हैं और मिल भी जाते हैं। तो इस तरह से ये अभी भी इसमें एक खाली है, चाहें तो आप अपने नेल पेंट वगैरह ये सब भी रख सकते हैं, ये सब भी इसमें रख देंगे तो। और इसके ऊपर ढक्कन तो आता ही है, वो लगा दीजिए। तो देखिए कितने अच्छी तरह से ये सब चीज़ें सेट हो गई हैं, और जब भी ज़रूरत है आसानी से निकाल लीजिए, तो है ना ये कमाल की चीज़, बजट में भी है और सुंदर भी है, किफ़ायती भी, सुंदर भी,
और देखिए ये सब चीज़ रखने के बाद ये सब चीज़ें अच्छी तरह सेट हो गई। अब इसके बाद इसका ढक्कन भी लगा दीजिए, तो ये आराम से कम छोटी सी जगह में इसके ऊपर भी कुछ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज़रूरत है तब निकालिए और अपना यूज़ कीजिए, फिर से रख दीजिए। हो गई है शाम, शाम हो गई है, भगवान जी की पूजा करने जाना है, संजा बत्ती भी करने जाना है। और अभी मेरे कपड़े भी बाहर पड़े हुए हैं, आज मुझे ना ध्यान ही नहीं रही कि मुझे कपड़े भी उठाने थे, भूल ही गई। क्या है दिन में ना इतना छोटा दिन होने लगा है कि कुछ मालूम नहीं पड़ता, कपड़े उठा के लाने पड़ेंगे। नहीं तो पता है अगर थोड़ी देर भी आपने कपड़े डाले रहने दिए ना तो वो सब कपड़े ना हो जाएंगे ठंडे, बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। जितना पूरे दिन से सुखाया है ना वो सब बेकार हो जाएगा। हम फटाफट से कपड़े उठा लेते हैं, फटाफट से ना कपड़े उठा लेते हैं, दोबारा से खराब हो जाएंगे सारे कपड़े। देखिए 2-10 मिनट भी अगर पड़े रहे ना ये, और थोड़ी शाम हो जाए तो ये ओस इतनी पड़ने लगती है कि सब कपड़े फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे। उठा लेते हैं बिल्कुल, जीन्स तो ना पूरे 3 दिन लेती है सूखने के लिए, 3 दिन से इन जीन्सों को डाल रही हूँ मैं और ये सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए इतनी शाम हो गई पर ये लड़का आएगा नहीं, ऊपर आओ अब बहुत शाम हो गई, अब ठंड पड़ रही है। तो बस मैं यहीं पे आज अपने वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे।